नमस्कार, मैं गुनगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। मराठा शासक शाहूजी महाराज का आज के दिन हुआ था राज्याभिषेक। छत्रपति शाहूजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र और संभाजी महाराज के पुत्र थे। उनका राज्याभिषेक 12 जनवरी 1708 को सतारा में हुआ था। शाहूजी महाराज का मानना था कि शासन स्वयं शक्तिशाली बन जाएगा यदि समाज के सभी वर्गों के लोगों की इसमें हिस्सेदारी हो। यद्यपि शाहूजी महाराज राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवक के रूप में व्यतीत किया। समाज के दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। नारी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा का भार सरकार पर डाला था। इसरो ने आज के दिन रचा था इतिहास, एक साथ भेजे थे 31 सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष के दुनिया में इसरो ने 12 जनवरी 2018 को 100वां उपग्रह लॉन्च कर इतिहास रच दिया था। यही नहीं, इस दिन इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 31 उपग्रह लॉन्च किए थे। इन 31 उपग्रहों में से 3 भारतीय और 19 अमेरिका के, 5 दक्षिण कोरिया और 1 कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और फिनलैंड का था। इसरो की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा था कि देश की जनता को इस कामयाबी का लाभ मिलेगा। आज के दिन हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी कार्य कर रहा है। विवेकानंद ने हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। देश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान क्रांतिकारी सूर्य सेन को आज के दिन दी गई थी फांसी। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को चटगांव विद्रोह के मामले में 12 जनवरी 1934 को मेदनीपुर जेल में फांसी दी गई थी। उनके साथ एक अन्य क्रांतिकारी तारकेश्वर दास्तीदार को भी फांसी दी गई थी। सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेजों के शासन के खात्मे की घोषणा कर दी थी। क्रांति की ज्वाला के जलते सरकारी अफसर भाग गए थे और चटगांव में कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन का अंत हो गया था। इस घटना के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम उग्र हो उठा था और इसका असर कई महीनों तक रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेटोगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMD मीडिया।